यार मुझे एक बीमारी हो गई है। मेरे घर वाले मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। खैर छोड़ो। जिनकी वीडियो आपको हंसाती है, जिन्हें प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा वायरल भी है। संस्कार तो मुझ में कूट कूट कर भरे हुए हैं, बस ज्यादा बारी कुट जाने की वजह से किसी को दिखाई नहीं देता। आज उनकी सफलता पर सब कोई बात करता है, लेकिन कोई नहीं जानता उसकी सफलता के पीछे की दुख भरी कहानी। आखिर क्या है उनके जीवन का असली सच और क्यों उनके पति उनके साथ नहीं रहते? उनके पति ने इनको तलाक दे दिया है या नहीं? अगर तलाक दे दिया है तो कहाँ है वर्षा का पति? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्षा के जीवन के बारे में, तो अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साल 1985 महाराष्ट्र के मुंबई के बहुत ही गरीब मराठी कवली फैमिली में वर्षा का जन्म हुआ। ये इस वक्त 37 साल की हैं। इनका असली नाम वर्षा कावली है। इनके परिवार में उनकी मम्मी और उनकी छोटी बहन रहती हैं। बचपन से ही वर्षा एक गरीब परिवार में जन्मी। इनके पिता आदतन शराबी होने की वजह से माँ को मारते थे। शराब की लत की वजह से ही वो जल्दी चल बसे। अब सारी जिम्मेदारी माँ के कंधे पर आ गई। माँ दूसरों के घर में काम करके दोनों बेटियों को पालने लगी। वर्षा भी अपनी मम्मी की मदद के लिए बहुत छोटी सी उम्र में काम करने लगी और अपनी बहन की शादी करवाई। उसके कुछ वक्त बाद वर्षा की शादी हो गई। वर्षा की शादी भी बहुत ज्यादा गरीब फैमिली में हुई थी। पति एक प्राइवेट नौकरी करते थे। घर के हालातों को देखते हुए वर्षा ने भी काम करने का सोचा, किंतु इनके पति को पसंद नहीं था कि वर्षा बाहर जाकर काम करे। वर्षा की एक बेटी भी है जो कि 10 साल की है। अपनी बेटी से वर्षा बहुत प्यार करती थी। वे चाहती थी कि जैसे मेरा परिवार, मेरा बचपन गरीबी में बीता, वैसे मेरी बेटी का बिल्कुल ना हो। साल 2018 में वर्षा को उनके चाचा के बेटे ने टिकटॉक के बारे में बताया, लेकिन वर्षा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वर्षा टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगी। जब ये बात वर्षा के पति को पता चली तो उसने वर्षा पर बहुत गुस्सा किया। वो वर्षा को बोला, तुम क्या कर रही हो? इस पर वर्षा ने जवाब दिया कि वीडियो बनाने में क्या गलत है। इसके कुछ वक्त के बाद ही भारत में टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन तभी इंस्टाग्राम पर रील्स का ऑप्शन लॉन्च हो गया। आपकी महीने में कितनी बार बेइज्जती होती है? मेरा तो मंथली पैकेज है। वर्षा ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसके और उसके पति के बीच झगड़े और ज्यादा बढ़ गए। नौबत हाथापाई तक आ गई, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। पहले वर्षा के वीडियोस पर कोई खास व्यूज नहीं आते थे। फिर एक दिन वर्षा ने अपनी बेटी के साथ एक कॉमेडी वीडियो डाला जो रातों रात वायरल हो गया। उसके बाद वर्षा को लोग पसंद करने लगे। वीडियो बनाने से वर्षा अच्छे पैसे कमा लेती हैं, जिससे घर में बहुत अच्छी मदद हो जाती है। उनकी बेटी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे स्कूल में हो रही है। वर्षा आसानी से 50,000 से 60,000 रुपए महीना कमा लेती है। झगड़ों की वजह से वर्षा ने पति का घर छोड़ दिया और अलग रहने लगी। कुछ वक्त के बाद दोनों का तलाक भी हो गया। वर्षा के इंस्टा पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो जिंदगी बहुत खराब चल रही है। अभी गोवा जाने की उम्र है, गांव जा रहा हूँ। हाल ही में वर्षा ने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसमें भी उनके पति कहीं नहीं थे। वर्षा अभी छोटे घर में रहती है, लेकिन वर्षा का सपना
बड़ा घर लेने का है। तो चलिए वर्षा सोलंकी की इस कहानी पर अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।